हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड सुबह के लगभग 12:45 बज चुके हैं और अभी देखो अपन नाश्ता कर गया है, यानी खाने के टाइम पे नाश्ता। क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था गाइस। और क्या है, रात को गाड़ी थी निकल, तो रात को लेट ही सोया था, इसकी वजह से थोड़ा लेट ही उठा। फिर काम तो कुछ था नहीं, सुबह जब उठा तो पता लगा 7 गाड़ी आके खड़ी है। देखो उसमें टोटल 7 गाड़ियाँ खड़ी है और 7 में से आई होप कि 4-5 गाड़ियाँ भर जाए। और छुट्टी रहने वाली थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी पता लगा कि उसमें 21 मार्च नहीं है, एक्चुअली 28 फरवरी लास्ट डेट है और मेरे पास माल बचा 1800 समथिंग टन, तो वो उठना ज़रूरी है। उसकी वजह से छुट्टी फिर कैंसिल कर दी और गाड़ियाँ बुलाना वापस शुरू कर दिया। और ये तो लोकल वाली की है, अगली पार्किंग में देखो और भी गाड़ियाँ खड़ी, उधर अपनी खड़ी है, तो ठीक है, चल रहा, अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वैसे कोई, चलने दो। और बस अभी नाश्ता करके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे रूम पे, ताकि खाना खाऊंगा आज 1:30 बजे, लेट खाना खाऊंगा क्योंकि अभी नाश्ता करके तो भूख नहीं लगने वाली मेरे को मालूम है। और चलो आ जाओ, सीधा मिलते हैं फैक्ट्री के अंदर, देखो क्या होता है क्या नहीं। तो फाइनली अपन फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं गाइस, और ये जो है पीछे दिख रहा है वाइट वाला, वो कैंटीन है मेरा, खाना वाना सब होता है। कुछ नहीं, बस अभी रूम के अंदर जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और क्या। और ये देखो गाइस, फैक्ट्रियों के अंदर यानी छोटे छोटे प्लांट बना रखे हैं लोगों ने, और लगभग सब्जियां जो है इधर तैयार हो जाती है, लहसुन वगैरह और सब्जी में जो डाले जाते हैं पालक वगैरह मेथी वगैरह सब कुछ। हाँ, और ये देखो, ये गेस्ट हाउस है बड़ा, मतलब MD साहब कंपनी के जो मालिक आते हैं, ओनर आते हैं, वो इधर ही रुकते हैं ज़्यादातर गेस्ट हाउस में। तो लहसुन भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए देखो कुछ ही दिनों के अंदर, काफ़ी दिन नहीं हुए इनको, मेरे को जब याद है 1 महीना भर मुश्किल से हुआ होगा, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। अच्छा है, फैक्ट्री के अंदर हरियाली अच्छी रहती है तो कहना पड़ेगा। और थोड़े दिनों के बाद अपने खजूर भी तैयार हो जाएंगे, अभी लगना शुरू नहीं हुए, हो जाएगा लगना काफी अच्छे तरीके से, देखो कुछ महीने हो गए। अरे साहब, धूप कितनी भयंकर है देखो, और जब अभी तो फरवरी चल रहा है, मार्च बाकी है, मार्च अप्रैल मई जून, जून तक तो पता नहीं क्या होता है इधर। अब जून बस मार्च अप्रैल जून के अंदर है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इधर, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं है इधर, ये अच्छा है। अच्छा देखो, ये है अपना गेस्ट हाउस, मतलब अपने इधर रहता हूँ, कॉलोनी है ये गेस्ट हाउस की पूरी। और ये है इधर, इधर भी है, देखते जाओ बस, मेरा तो सबसे लास्ट में है वो वही अच्छा है, सुकून मिलता है। और ये एक चीज़ बताओ, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा पौधा है, बोल का आकार को होता है क्या चीज़, मेरे पास तक समझ नहीं आया, मैं तो इनको देख देख के परेशान सोचता हूँ, शाम को कभी बार इनके साथ खेल लेता हूँ बोल बनाकर। चलो तो कैसे, भी रूम पे आ चुका हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं मिलते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छा तो कैसे यार, शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अपन सो लिए, मन भर के बोलो, जी भर के बोलो, कुछ बोलो, उठ के जस्ट अभी आया हूँ। और गाड़ियाँ मेरे ख्याल से 5 गाड़ी अंदर गई है ऐसा अभी सुनने में आया, और उसके बाद अभी कुछ काम नहीं है कि जाके गाड़ी छोड़ेंगे। एक ड्राइवर की थोड़ी सी रिक्वेस्ट आ रही है, बोल रहा है कि गाड़ी एक मेरी भी अंदर करवाओ, क्योंकि वो जो है 3 दोस्त है और तीनों दोस्त वो साथ में चलते हैं, तो उसकी दोनों की दो तो गाड़ी भर गई, तो उनकी 2 गाड़ी तो भर गई और एक गाड़ी बाहर रहेगी, तो वो बोलता है सर मेरी भी करवाओ, हम हमेशा साथ में चलते हैं, एक जन का थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, फिर अकेला रहूँगा इधर। तो देखो जागता हूँ किरण जी के पास, अगर हो जाए तो अच्छा, उनका भी बटेंगे। और बाकी 4-5 गाड़ियों का मेरे को बोला हुआ, तो ज़्यादा नहीं कर सकते, देखो क्या होता है क्या नहीं। और सुबह में कुछ नहीं किया, बस आपसे बात की थोड़ी बहुत, उसके बाद रूम पर आया और आके थोड़ी देर रेस्ट किया, तो फिर को खाना खा के वापस आके सो ही गया, काम तो कुछ था नहीं इसके लिए। और देखते हैं चलो अभी क्या रहता है क्या नहीं, अभी देखो कॉल भी आ गया, मेन गेट वाली है, सॉरी चलो गाड़ी छोड़ के आता हूँ। 2 गाड़ियों के पेपर आ चुके हैं, तो उनको छोड़ देता हूँ पहले जाके, उसके बाद देखते हैं चाय वाय पियेंगे बाहर जाके,
क्या रहता है क्या नहीं, कुछ नहीं बस गाड़ी वो लास्ट वाली गाड़ी भर जाए तो अच्छा ही, मतलब ये सोच रहा हूँ क्योंकि वो तीनों साथ में रहने वाले बंदे हैं और कुछ नहीं। ये ग्लास गलत लग गया रे, इसकी टेंशन हो रही है मेरे को, तो कल चेंज ही करवाना पड़ेगा क्योंकि ग्लास थोड़ा सा कैमरे के जस्ट ऊपर आ चुका है ना, तो देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है। इसे क्लियर तो आ रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसकी वजह से पूरा हो गया। चलो कोई नहीं, चेंज कर लेंगे इसको तो, और मिलते हैं, चलो साइकिल टपरी मिलते हैं डायरेक्ट उधर ही। तो गाइस यार फाइनली लगभग 5:30 हो चुके हैं और अपन दोनों गाड़ी जो है दोनों छोड़ के आ गए होटल पे, हैं चाय वाय पियेंगे इधर, और उसके बाद तीन गाड़ी और है, एक तो भर गई है, दो भरने वाली है, उनको भी छोड़ना है। यानी कि आज लोकल की गाड़ी कम थी तो इसकी वजह से अपनी गाड़ी अच्छी खासी भर गई, 5-6 गाड़ियाँ मतलब काफ़ी है इधर के लिए अभी। वैसे तो अपनी 7-8 भरती थी, लेकिन आज के लिए क्योंकि ना इन लोगों ने 2-3 गाड़ियों का ही बोला था भरने का, इसके चलते कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा, और कुछ काम तो है नहीं अंदर क्योंकि गाड़ी की पेपर अभी तक आए नहीं, और पेपर नहीं आएंगे तब तक क्या काम है, चाय आ चुकी है, चाय पी लेते हैं। कुछ नहीं बस इधर पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहो, थोड़ा बहुत काम होता है तो करो, तो ना पड़े रहो तो इंसान परेशान हो गया। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मन ही नहीं लग रहा हो। ऐसा लगता है जैसे भाग जाऊं कहीं ऐसे। तो गाइस थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, रेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे फैक्ट्री में वापस, वही काम बस रूम पे जाएंगे। रूम पे जाके अभी मेरे को वो लेके आना है, बिल्ट लेके आना है एक गाड़ी का, तो वो रूम पे रह गया, तो वहाँ से बिल्ट लेके आके वापस को गाड़ी छोड़ेंगे। पार्किंग में से 2 गाड़ी खड़ी है अभी, तो एक गाड़ी का छोड़ दूंगा, अगर एक गाड़ी दूसरी अंदर चली गई ना तो ऐसा मानो एक गाड़ी रहेगी, तो उसके साथ दिक्कत नहीं आएगी, वो सुबह में छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता इस बार मैं 28 तक कंप्लीट कर पाऊंगा 1700 टन, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं बोल नहीं सकते। तो गए यार रात के लगभग 8 बज चुके हैं और खाना वाना खा के अपन आ चुके हैं कैंटीन से, और अभी बस थोड़ा सा काम है, कपड़े डुबो के रखे हुए, कपड़े धोने और उसके बाद सोने ही, और कुछ काम नहीं है। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं कल के एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।